हाय ऑल, ये सारे क्रिसैंथेमम्स देखिए। देखकर तो बहुत मन ख़राब हो रहा है, क्योंकि ये वही क्रिसैंथेमम है जिनका ब्लूमिंग वीडियो आपके साथ शेयर किया था। किसी में 250-300 तक फ्लावर्स थे, बहुत सुंदर ये क्रिसैंथेमम्स थे, लेकिन अब इनका टाइम ओवर हो गया है। क्रिसैंथेमम में जो ये पूरा बंच है, ये एक साथ ड्राई हो जाता है, तो इसको पूरे को प्रून करके, ट्रीट करके हमें नेक्स्ट ईयर के लिए कैसे सेव करना है, ये वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। मेरे पास करीब करीब 20 क्रिसैंथेमम्स होंगे, उसमें से ये कुछ है जो ड्राई हो गए हैं, और जो एक जैसे क्रिसैंथेमम है उनको हम सबको डिस्कार्ड कर देंगे, हर वैरायटी का एक रखेंगे। ये मेरे टेरिस से नीचे कॉरिडोर का व्यू है, आप देखिए इतने सारे क्रिसैंथेमम है जो अभी भी ब्लूम कर रहे हैं। इनमें किसी किसी में 500 ब्लूम्स भी है, तो ये डिपेंड करता है इसकी वैरायटी पे। पहले इसको जितने भी ओल्ड ब्रांचेस है इसको सबको प्रून कर देना है, कुछ भी नहीं रखना है हमको, क्योंकि ये जो सकर्स नीचे से निकल रहा है इन सकर्स से ही हम कटिंग्स निकालेंगे। जो लोग प्रोफेशनली कॉम्पिटिशन्स वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं क्रिसैंथेमम के, तो वो लोग तो मार्च अप्रैल से ही कटिंग लगा लेते हैं, और उसमें केयर भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। लेकिन जो लोग घर पे गार्डनिंग करते हैं शौक से, और जिनके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है इसको केयर करने के लिए, तो वो जून जुलाई से भी कटिंग ले सकते हैं। ये देखिए, हमने जो इसका ओल्ड प्लांट था इसको पूरा यहाँ से कट कर दिया है। अभी जो सकर्स निकल रहे हैं ये बहुत ग्रो करेंगे और ये प्लांट पूरा भर जाएगा। तो अब और एक चीज़ है, उससे पहले ये दिखाते हैं आपको, ये वाला देखिए, ये मेरा वही क्रिसैंथेमम है जो मैंने दिखाया था कि मेरा फेवरेट था, वाइट कलर का, तो वो कुछ ऐसा दिखता था। अब इसकी कटिंग कर देते हैं। इसमें से भी देखिए ये नीचे सकर्स निकलना स्टार्ट हो गया है, तो हम लोग अब इसको प्रून कर सकते हैं, क्योंकि पॉट्स लिमिटेड रहते हैं, तो आप एक वैरायटी का एक से ज़्यादा रख नहीं सकते, तो बाकी आप हटा दें। और ये भी अगर आपका बड़े पॉट में लगा है मदर प्लांट, तो आप इसको छोटे पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। छोटे पॉट में शिफ्ट करने के बाद छोटे पॉट से ही आप कटिंग ले सकते हैं। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि हम मदर प्लांट से क्यों नहीं फ्लावर्स लेते हैं, तो मदर प्लांट के जो फ्लावर्स होते हैं उसकी क्वालिटी कभी भी कटिंग्स वाले फ्लावर के जैसी नहीं होती। जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है कटिंग वाले प्लांट में। कटिंग वाले प्लांट को अगर आप सही तरह से ट्रीट करें तो आप 1000 तक फ्लावर्स ले सकते हैं, बट मदर प्लांट में वो पॉसिबल नहीं है। कटिंग से आप प्लांट को अपने हिसाब से ट्रेन कर सकते हो, अपने हिसाब से ग्रो कर सकते हो, उसका बहुत सुंदर एक शेप दे सकते हो। इस प्लांट को देखिए, हमने दो प्लांट को कटिंग करके आपको दिखाया है। अब ये है कि आप तो भूल जाएंगे कि इसमें कौन सा फ्लावर था, इसमें कौन सा फ्लावर था 4-5 महीने बाद, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि हमें टैगिंग करनी है। जैसे कि ये व्हाइट वाला मेरा फ्लावर है, उसको टैगिंग कैसे करना है, ये मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट दिया था कुछ दिन पहले, जो मुझे बहुत पसंद आया। ये देखिए, टैगिंग करने के लिए क्रिसैंथेमम्स जो है वो देखने में बिल्कुल फेरी जैसे लगते हैं, फेरी के विंग्स जैसे। तो आप अपने चॉइस के हिसाब से किसी भी क्रिसैंथेमम का कोई भी नाम रख सकते हैं, ताकि आपको पिक्चर ढूंढने में आसानी हो। जैसे कि ये जो मेरा व्हाइट वाला क्रिसैंथेमम था, इसे मुझे व्हाइट फेरी बोलना बहुत पसंद है, और ये सबसे पहले ड्राई हुआ था, तो इसमें टैग कर देंगे 1 और लिख देंगे व्हाइट फेरी, और हम इसमें डाल देंगे। अगर आपके पास ऐसा कुछ टैग नहीं हो तो आप ऐसे पॉप्सिकल स्टिक भी ले सकते हैं, आइसक्रीम स्टिक, इसके ऊपर आप लिख दें। यही नाम आप अपने गैलरी में इस पिक्चर में सेव कर दें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप कटिंग निकाले तो आपको याद रहे कि ये प्लांट के जो फ्लावर्स हैं वो कैसे थे। ये हमने इसमें लगा दिया। अब इस वाले में एक और दिखा देते हैं आपको, इसमें हम लिख देंगे, क्योंकि ये रस्ट कलर का फ्लावर था, ऐसे वाला रस्ट कलर का था, तो इसका नाम हम रस्ट फेरी रख देंगे। और ये सेकेंड था जो ड्राई हुआ था। इससे आपको कटिंग्स लेने में बहुत आसानी होती है। अभी आपको कुछ दिन तक याद रहेगा
बट जब बहुत सारे क्रिसेंथेमम्स ड्राई हो जाएंगे तब आपको याद ही नहीं रहेगा कि कौन से में कौन सा था, इसीलिए टैगिंग करना हमेशा एक अच्छा ऑप्शन रहता है। आप देखिए इस तरह से मैंने गैलरी में सब सेव करके रखा है। अब आप चाहें तो इसको आप किसी छोटे पॉली बैग में या छोटे पॉट में भी शिफ्ट करके रख सकते हैं। अगर आपने पॉली बैग में शिफ्ट किया है तो एक दो दिन आप शेड में रख के फिर आप उसको नॉर्मली धूप में रख सकते हैं, और अगर आपको इसी में छोड़ देना है तो आप इसको ऐसी एज इट इज, चाहे बारिश हो चाहे धूप हो, आप कहीं भी रख दें, क्योंकि ये प्लांट अब हार्डी है, लेकिन जब कटिंग लगाएंगे इसकी तब हमें बहुत ज्यादा इसकी केयर करनी पड़ेगी। वैसे तो हम लास्ट टाइम मई में लगाया था कटिंग, बट शायद इस बार थोड़ा सा और पहले लगा दें, तो जब भी हम कटिंग लगाएं तो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। ये देखिए ये कुछ सिमिलर वैरायटी के क्रिसेंथेमम है जिनका एक एक वैरायटी हमने सेव कर लिया है और बाकी आप डिस्कार्ड कर दें, और उसकी सॉइल को आप नेचुरली स्टेरिलाइज करें, सन ड्राई करें, उसके बाद खाद मिलाकर आप इसको पॉट्स में यूज़ करें। बहुत इजी है क्रिसेंथेमम्स को उगाना नेक्स्ट ईयर मदर प्लांट से। एक ही प्लांट से हम बहुत सारी कटिंग्स ले सकते हैं, तो आप जैसे मैंने बताया वैसे आप फॉलो करिए, टैग करिए अपने प्लांट्स को, हल्का फर्टिलाइज करिए, क्योंकि आपका प्लांट बहुत टायर्ड है, उसने बहुत ग्रूमिंग किया है आपके लिए। जब ज़रूरत हो तभी वाटरिंग करें, बाकी और कुछ नहीं करना। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। हैप्पी खेती, बाय।